सॉरी काकू, मैं शादी नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मौसी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझे आपके डिवोर्सी होने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भी कोई एतराज ना हो तो मैं वाकई चाहूंगा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। I'm sure बहुत अच्छी लड़की होंगे आप, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपने काम और पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। आप मुझसे एक कप चाय के अलावा कोई उम्मीद मत रखिएगा। भंवर पाटिल सवी को अपनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, और अब जैसे उसे शुक्ला से पता चलता है कि कोई अभिजीत नाम का लड़का का रिश्ता आया था सवी के लिए, वहीं ईशान को भी इस बात की भनक मिलती है अपने वकील से। और ईशान पहुंचता है सवी के चाय के दुकान पर और उसे साफ साफ तो नहीं कह पाता, पर उसकी शादी के बात को सामने रख कर बोलता है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर ऐसे कैसे शादी की बात कर सकती है और वो शादी करेगी भी कि क्यों। और बात बात पर सभी को अपने प्यार का इजहार करते करते रुकता है ईशान, पर हरिनीताई को ईशान की मन की बात कुछ समझ आ जाती है कि वो सभी से प्यार करने लगे हैं। पर जहां ईशान चले जाता है गुस्से से कि सभी किसी और की कैसे हो सकती है, वहीं और कोई भी है जो ये पूरा तमाशा देख रहा है, और वो है पाटिल, जो अब अपने रास्ते से ईशान नाम का कांटा को उखाड़ फेंकना चाहता है। और सारा जानकारी शुक्ला से लेकर कुछ गुंडे से अभिजीत की ऐसी पिटाई करवाता है कि अब अभिजीत की मासी को सवी से चिढ़ हो जाती है। तो क्या आप सवी को चौल का ये रूम भी छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब पुलिस स्टेशन में सवी के सामने भंवर उन गुंडों के मुंह से ईशान का नाम सुनाता है, और सवी सुनती है कि उसने उन्हें 50,000 दिए थे अभिजीत को सवी से दूर रहने के लिए धमकाने के लिए, और उसे मारने के लिए भेजा था उनको। और जहां सवी को तो यकीन ही नहीं होता, वहीं अब वो असमंजस में पड़ती है कि ईशान सर कब से ये सब करने लगे। पर क्या सवी को सच का पता चलेगा कि ईशान को उसके रास्ते से हटाने के चक्कर में भंवर पाटिल, जो हर वक्त पहुंचता है सवी के इर्द गिर्द, वही एक ऐसा शख्स है जो सवी को पाने की चाहत में कुछ भी कर सकता है और अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है भंवर पाटिल। क्या सवी को जब ये पता चलेगा तो वो भंवर पाटिल का क्या करेगी? देखते रहिए आगे हो में किसी के प्यार में, आगे क्या होता है यहीं पर। क्या करूं, सभी से जाके बात करूं क्या? हाँ, मुझे उसे जाके समझाना होगा कि वो बहुत गलत कदम उठाने जा रही है। तुझे मेरी कसम, अगर तूने रीवा को सच बताया ना तो तू मेरा मरा हुआ।